सुल्तान तकरफानु मस्जिद से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो ये यहाँ पे आपको मिलता है विक्ट्री स्क्वायर, और बिल्कुल ये मस्जिद से बाहर आते साथ ही एक अहाता आ जाता है, और उसके साथ ये सामने पीछे सुल्तान पार्क है, और राइट साइड पे ये मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है। ये नेशनल आर्ट गैलरी है और ये सुल्तान पार्क है। ये हम अब सुल्तान पार्क में जा रहे हैं, ये कोई एक छोटा सा पार्क लग रहा है किड्स का, यहाँ जाके देखते हैं अंदर ज़रा। ये जनाब इन्होंने कोई फाउंटेन बनाया हुआ है, फाउंटेन ब्रिज है ये, ऊपर चलते हैं। दो लेवल्स हैं इसके फाउंटेन के, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ये फाउंटेन ब्रिज है लेकिन ये फ़िलहाल बंद है, इसमें वो अंदर कोई मछली है। ये एक दरख्त जो है उन्होंने वी शेप में काट के लगाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। ये सारा ग्रीनरी है। ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये वही दरख्त है जो आपको ऊपर से दिखाया था। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस इज़ एन इमेजिनरी ट्री आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मेंशन्ड इन मालदीवियन फोकलोर। एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है उन्होंने, और ये कोई मछली छोड़ी हुई है उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे, देखें बड़ी खूबसूरत लग रही है कोई मछली आगे तक गई हुई है। सुल्तान पार्क काफ़ी ग्रीन है, ये देखें दरख्त। ये देखें जी इन्होंने यहाँ पे बेंच लगाया हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ ग्रास है, ग्रास के दरमियान में बेंच लगाया है, और ये भी ट्री बड़े खूबसूरत हैं यहाँ पे, और पीछे जो है ये स्विंग्स हैं सारी, और ये स्विंग लेते हैं चल के। ये देखें जी बड़ा खूबसूरत तना है, इसके ऊपर जो है ना सारे वो पौधे निकल आए हैं। ये सुल्तान पार्क बड़ा खूबसूरत पार्क है, ग्रीनरी के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। ये बड़ा खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है जी इन्होंने, मैं आगे देखते हैं। हाँ अरे
आगे से बंद है जी, गेट लगा हुआ है, चलें वापस चलते हैं। ये देखें जी, ये सुल्तान पार्क जो है उसका उन्होंने मैप दिया हुआ है, तो इस मैप के थ्रू भी आप अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे छोटा सा पार्क है, आप इंजॉय कर सकते हैं अंदर।